वेलकम टू शिल्पीज किचन। आपका शिल्पीज किचन में बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ शिल्पी। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक नई रेसिपी, और बहुत ही अलग है और बहुत ही डिलीशियस है। ये बिना दाल की खिचड़ी है जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। यूट्यूब पर पहली बार ये पहली रेसिपी है बिना दाल की खिचड़ी। इसे लौकी और मूंगफली से बनाया है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। पैन हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें मैंने एक छोटा चम्मच घी डाल लिया है और साथ में ये बारीक कटे हुए लौकी है। मैंने यहाँ एक कटोरी लिया है, आप दो कटोरी ले सकती हैं अगर आपको लौकी अच्छा लगता है और पसंद है तो। और साथ में मैं अरवा चावल लिए हूँ। ये देखिए, मैंने इसे आधा घंटे के लिए भिगो के रख दिया था और ये अच्छे से फूल गए हैं। मैंने इसे एक कप लिया है। अगर आप एक कप चावल ले रही हैं तो आप इसमें दो कटोरी लौकी ले लें, लेकिन मैं इसमें एक कटोरी ही लौकी ली हूँ। और मूंगफली का रेशियो भी आधा कप से ज़्यादा होगा, बस ये ध्यान रखें रेशियो, एक कप चावल तो आधा कप से ज़्यादा मूंगफली लेना है और दो कटोरी लौकी लेनी है। मैंने इसे 3-4 मिनट तक अच्छे तरह से भून लिया है, चावल और लौकी को। अब इसमें मैं हल्दी और नमक डाल ली हूँ और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम। अच्छे से मिला लेने के बाद इसमें हम पानी ऐड करेंगे। याद रखना है हमें हल्दी ज़्यादा नहीं इसमें डालना है, बस इसका कलर लाना है हल्का सा पीला, उतना ही हमें हल्दी डालना है। पानी डाल के इसे हम मीडियम फ्लेम पे इसे हम कुक कर लेंगे 5 से 10 मिनट। करीब 10 मिनट हो चुके हैं। हमारा देखिए चावल और लौकी अच्छी तरह से पक चुका है। अब इसमें ये देखिए मेरे पास करीब एक कप से ज़्यादा यानी मूंगफली है। इसे मैंने पहले रोस्ट कर लिया है तवे पे, फिर उसके बाद इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए पानी में भिगो के रख देंगे और अब इसे हमें मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेंगे। मैंने इस मूंगफली को अच्छे से पीस लिया है पानी डाल के, देखिए कितना पतला मैंने पीसा है। अब इसे हम इसमें मिक्स कर देंगे। अब एक बात का ध्यान रखना है, गैस का फ्लेम हम यहाँ पे लो रख देंगे। लो रखने के बाद इसे अच्छी तरह से हमें पकाना है, क्योंकि मूंगफली आपके ये चिपक भी सकते हैं और इसमें गुलटियाँ भी आ सकती हैं, इसलिए लो फ्लेम पे इसे हमें अच्छी तरह से पकाना है। कम से कम 5 से 5 मिनट पकाएं। मैंने इसे लो फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से कुक कर लिया है और ये इसका कलर भी अच्छा आ चुका है और ये देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट सेक्शन में कमेंट देना भी बिल्कुल ना भूलें कि आपने इसे घर में बनाया तो ये कैसे लगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं हर वीक आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आती हूँ। अब मैंने इस तड़का पैन में जीरा, घी, हींग और लाल मिर्च का तड़का लगा दिया है। अब इसमें हम ये तड़का डाल देंगे। इसका स्वाद बहुत ही अच्छा होता है, आप इसे घर में ज़रूर एक बार ट्राई करें। बिल्कुल अलग रेसिपी है और इसे हम धनिया पत्ता से गार्निश कर देंगे। ये डिश मुझे बहुत पसंद है फॉर वेट लॉस, आप इसे ज़रूर ट्राई करें घर में। देखिए कितना गाढ़ा है, आप इस तरह से बना के खाएं और खिलाएं। थैंक